जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। अखबार के द्वारा चलाया गया एक प्रयास जिसमें कि आपको पेड़ लगाना है अपने आसपास, इसी मुहिम के तहत कादीपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन वेलफेयर के अध्यक्ष, इन्होंने भी पेड़ लगाया और लोगों को जागरूक किया कि वह भी अपने आसपास किसी भी खाली जगह पर पेड़ लगाए, जहाँ पर कि वह पेड़ बड़ा हो सके, स्वस्थ हो सके। देखिए खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम श्रीपाल शर्मा है और मैं एक सामाजिक प्राणी, कादीपुर इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन की प्रधान पद की मेरी जिम्मेदारी है और दैनिक जागरण ने एक मुहिम चलाई प्रकृति में निवेश। तो वैसे तो ये सीजन है पौधे लगाने का, लेकिन दैनिक जागरण ने भी एक मुहिम चलाई, वो बहुत सराहनीय बात है कि कोई किसी से प्रभावित होकर अगर एक छोटी सी पहल कर दे तो उससे समाज को बहुत फायदा होता है। तो मैं भी अपने सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सबसे निवेदन करूंगा कि जिससे जितनी भी कोशिश हो सके पर्यावरण को सही रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, सही ऑक्सीजन के लिए, जिस ऑक्सीजन के ऊपर हम सब जिंदा हैं, तो पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जहाँ जितनी भी जगह मिले, छोटे पौधे की मिले छोटा पौधा लगाएं, बड़े पौधे की मिले तो बड़ा लगाएं। तो हम उसी कोशिश में हैं, हर साल कहीं न कहीं जगह मिल जाती है तो पौधा लगाते हैं, यहाँ जगह मिल गई तो यहाँ लगा दिया। और औरों से भी मैं ये निवेदन करूँगा कि भाई जहाँ भी जगह मिले पौधा ज़रूर लगाएं। आपने कौन कौन से पौधे लगाए हैं? सबके नाम तो ध्यान नहीं होता, जो मिल जाए वही लगा देते हैं, जो आसानी से हो सके। वही कुछ लोगों का कहना है कि आज के टाइम में हमें फल के पौधे लगाने ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जो जीव है वो फल पे निर्भर रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अजय भाई बात यह है कि पार्कों में बड़े पौधे लगाने नहीं देते हैं, शो के पौधे, सुंदरता के या छोटे पौधे ही, और जगह भी नहीं है। तो शहर में पौधे लगाना भी एक कठिन काम हो रखा है, सब जगह बड़े पौधे लगाने नहीं देते, छोटे ही पौधे लग पाते हैं। और दूर जाके पौधे लगाना वो भी आसान काम नहीं है। नहीं तो मैंने जो जगह देखी है, जैसे रोड के नज़दीक या हाईवे के बीच में बड़े जो लंबे पौधे निकल जाए वो लग सकते हैं, और जो टोल टैक्स बने हैं उनके बीच में काफ़ी जगह पड़ी है, तो वहाँ बरगद और पीपल के पेड़ लग सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, समय मिलेगा तो वहाँ जाएंगे।